He wants to give a speech on Indian Army. So round of applause for Indian Army and Danish. He has worked with Akshay Kumar in ALF. So Danish, chalo, bike kare, bike kare. The Indian Army, please. Hey guys, what's up? What's up, bhai? Hello, man. In recognition at large, trust me, it's a commitment. Once you are recognized by someone, it's a commitment to move forward more strongly and more positively, to try and do something much better and much effective. That's a basic thought one has to keep in mind and keep moving forward. Trust me, I really am short of words to appreciate Angadji, who has really taken this initiative forward and he's doing wonders. I really wish him all the very best in the years to come. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Danish. That was wonderful. वैसे मेरी मम्मी ने भी कुछ कहा था. मेरी मम्मी ने कहा था कि कभी भी मुश्किल स्टेप लेने में कतराना नहीं. ठीक है? और उसके लिए मैं आपको ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ. Thank you so much. क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है होस्टिंग. क्योंकि मेरी बातों से ज्यादा लोग कॉमेंट किया करेंगे. ठीक है? बट आपको बुरा लगा हो तो मेरी सॉरी फॉर दैट. बट यू कैन एंजॉय करना है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय सेल्फ. माय नेम इज गगन. थैंक यू सो मच. ओके एंड बिफोर दैट, उससे पहले मैं आपको सबको एक बार एक ग्रुप पिक्चर के लिए बुलाना चाहूंगा. ओके थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पीपल, द स्किल्ड पीपल, द स्किल्ड इंडियन अवार्ड्स 2019. कैन आई हैव अ ग्रेट फीलिंग टू रिसीव एन ग्रुप पिक्चर. जितना मैं बोलूंगा सर, आप ही हैं सर, प्लीज. Yeah, I request everyone to please wait for some more time, and the photographers also, थोड़ा सा और wait कीजिए, just for one more minute. Yes, वहाँ पे आ सकते sir, sir. क्योंकि ये है स्किल इंडियन अवार्ड, तो एक बार इंडिया के नाम पे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. यस थैंक यू सो मच. यार एक बार जोरदार ताली बजा. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्किल इंडियन अवार्ड्स ग्रुप का और अंगद जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस अवार्ड का हकदार बनूं. सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर अंगद एंड हिज एंटायर टीम. एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग, अ ग्रेट प्लेजर, अ ग्रेट ऑनर व्हेन योर स्किल्स, व्हेन योर टैलेंट, व्हेन योर वर्क इज़ अप्रिशिएटेड. और जब उसकी सराहना होती है, जब उसको उसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी एक्नॉलेजमेंट, तालियां या उसकी वाहवाही. पैसा ज़रूरी होता है और खाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आर्टिस्ट की जो एक भूख होती है वो मिटती है मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन से. अगर आप, मैं सिंगर हूँ तो म्यूजिशियन हूँ, अगर मैं स्टेज पे गाना गा रहा हूँ और प्रेजेंट करने के बाद अगर कोई क्राउड में से ताली ना बजाए, तो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट. उसकी जो हौसला अफजाई नहीं होती है, उसमें जो जोश होता है वो पूरी तरह से उजागर नहीं होता. तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इस स्किल इंडियन अवार्ड्स का, क्योंकि एक नया अवार्ड, एक नई उपलब्धि, एक नई अचीवमेंट, इट ऑलवेज एड्स अप टू योर मोरल, एड्स अप टू योर ओवरऑल ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट, एंड इट मोटिवेट्स यू टू डू बेटर एंड कीप डूइंग बेटर, बेटर एंड बेटर ईच ईयर एंड आफ्टर ईयर एंड एवरीवेयर. हल्ला देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, है राम सीता इसमें शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका. सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला. हे हे
हे हे हे हाँ सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला प्रेम लीला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोग को मेरी चेहरे की चमक से पता चल रहा होगा। जैसे मैंने स्टेज पे भी कहा कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, हम लोगों को दिन रात बहुत काम करना पड़ता है डेली न्यूज़पेपर में, लेकिन हम लोग कोई भी काम इसलिए नहीं करते, हम कोई भी किसी भी क्षेत्र के लोग हों अवार्ड के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे आर्टिकल्स, हमारी लेखनी या हमारे इंटरव्यूज़ की वजह से हमें स्किल इंडिया जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पारुल जी जैसे जो मेरी बहुत ही पुरानी, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि शायद हम एक साथ में पले बड़े और बड़े हुए, इतने एजेस से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो वो जब हमें बुलाते हैं एक ऐसे मंच पर जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि आपने एक इतना अच्छा काम किया है और आपको एक किसी पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, तो फिर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आकर के और ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि मुझे बहुत सारे अपने लोग नज़र आए, जैसे अभी ये जितने भी मेरे कैमरा पर्सन हैं ये सारी मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, तो मुझे पता है कि ये सारे लोग मुझसे ही जुड़े हैं, मेरा ही हिस्सा हैं, तो अपने लोगों के बीच में ऐसे आना और इस तरह से सम्मानित होना मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और मैं अंगद जी का और स्केल इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं पारुल जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे लिए ये अवार्ड इसलिए भी स्पेशल है कि मेरे बहुत ही बिजीएस्ट हस्बैंड गालिब असद भोपाली मेरे साथ में आए हुए हैं और वो बिल्कुल बहुत ही शर्मीले हैं, वो ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन वो आए मेरे लिए समय निकाल करके और यहाँ पर मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलने का मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पारुल जी आपका, अंगद जी आपका, स्किल इंडिया आपका और आप सभी लोगों का जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। हाय, हेलो, how does it feel? It feels fantastic and I just want to go like yay, because it's really nice to be validated with an award at the, you know, the very start of your journey. So I hope this is the first of many more to come, and I want to say huge thanks to Angad Arora and Skill Indian Awards for giving us this recognition and honoring us with this award. And I'd like to dedicate this award to my parents, as I said, and best wishes to Skill Indian Awards too. I hope that they continue every year and continue recognizing people, which is a really great thing to do to encourage them to move forward. Ma'am, you see, how does it feel? I'm so happy to be here with the part of Skill India Award. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Well, as you can see, very lovely trophy, and I want to thank Skill Indian Awards for putting up a great show. Thank you, Mr. Angad, for motivating, for recognizing and choosing me for the Skill Indian Award. And जैसे कि awards, everyone loves to receive awards, but when you're doing your work, you're putting in hard work every day, and suddenly you get a call that, you know, you are being recognized for your skills, and that was a very, very surprising factor for me, and I said, wow, I'm doing my work and somebody knows a difference between a professional and a skilled professional. So skill is definitely required, it has to be honed. Talent aapke paas hota hai, it's God given, but skill aapko experience, expertise, aur every day jab aap ek learning curve rakhte ho, aapki skills enhance hoti hai. So thank you, and this means a lot, it's really special for me. Thank you, Mr. Angad, and thank you, Skilled Indian Awards. Thank you so much. Skill India ने जो आपको अवार्ड से नवाजा है, आपकी स्किल के लिए, आपके काम के लिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, आपके काम को प्रोत्साहन दी है, क्या है? I thank you everyone, and thanks, special thanks to you also for recognizing me, my effort. I'm a mother of a 3-year-old daughter, and balancing my IT job with the
the where I start now, this fashion industry is very tough, and thank you Skill Indian Group to recognize me for balancing this act which every lady faces in our life. Thank you everyone. It's a 9-hour job I do, and from the morning I wake up at 6 and it all starts, and it needs the support of the family and your inner strength. That is more critical. When you want to achieve something, you have to achieve. The life is not finished after marriage. It's just a beginning. So I want inspiration for all the ladies out there. Thank you so much. Actually, I'm feeling very happy, and also to recognizing me, I am working as a nursing officer in Nigrims. It is in Shillong, and I'm wife of a BSF Jawan, and I'm a mother of a two lovely daughters. And it's also I'm from Kerala actually, but I'm working in Shillong. From Kerala, it's like it's not easy to go out or from. For that too, I need mostly the family support, mostly the mother-in-law, the brother-in-law and all. They all give me a very good support. That's why I'm here, and I'm doing modeling also. For recognizing the Skill India company, I thank Mr. Angad, the co-founder. Thank you. Thank you so much. Thank you. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी मिस्टर अंगद अरोरा को. उन्होंने इतना बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पर हर प्रोफेशन के लोग यूनाइट होते हैं और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है. एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू स्किल इंडियन कंपनी. थैंक यू. जैसे काम में कई सारी मुश्किलें थी, जब भी आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल. मैं मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ, और मैं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मेंबर भी हूँ, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम नागपुर. तो इट्स नॉट ईजी टू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ. बींग अ मदर, बींग अ वाइफ, इट्स नॉट ईजी टू मेक योर करियर इन ग्लैमर आफ्टर योर मैरिज एंड आफ्टर योर चाइल्ड. इट्स नॉट ईजी फॉर मी, बट फैमिली के सपोर्ट से ये सब हो पाया है. तो मैं अपनी पूरी फैमिली का की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अलाउ किया. जैसे तो जैसे कि आपको एंटी करप्शन फाउंडेशन की तरफ से मतलब जो अवार्ड मिला है, हाँ जी, एक बहुत ही बड़ा एक यू नो एक बीइंग एन एक्ट्रेस हम रिकॉग्नाइज होते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन एक ऐसे ओहदे पे आपको अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है. रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या फीलिंग है? बहुत ही उम्दा फीलिंग है. और या क्या मैसेज कुछ देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि मतलब करप्शन ना करें या ऐसा कुछ, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब तक करप्शन चलेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? हर कोई ब्लेम करता है कंट्री डेवलप नहीं हो रही वगैरह वगैरह, लेकिन हर कोई खुद में भी करप्टेड है हर चीज़ से. इट्स नॉट ओनली फॉर वन प्रोफेशन, इन एवरी प्रोफेशन इज़ अ करप्शन. तो खुद से जब तक हम पहल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है. खुद को बदलना पहले ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. क्या कहेंगे आप स्किल इंडिया के बारे में, लाइक अंगद जी ने जो आपको इस अवार्ड के थ्रू आपके काम को रिकॉग्नाइज करके जो अवार्ड मिला है, क्या फीलिंग है? सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर हम लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया. एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, बींग ए मैरिड वुमेन, हमारे अंदर स्किल, ऐसा स्किल होना चाहिए कि हम अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस बना के चले, जिसके साथ हम अपना काम भी अच्छे से कर पाएँ और अपने ड्रीम भी पूरे कर सकें. सो थैंक्स टू अंगद एंड थैंक्स टू माई फैमिली एंड माई हस्बैंड. हाय मैम, क्या कहेंगे आपके लाइक आपको अवार्ड से नवाजा गया स्किल इंडिया की तरफ से? मेरा चाइल्डहुड से पैशन था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं. ओके, ये सेंटर में रखिए. ओके, इट वॉज़ माई चाइल्ड हुड पैशन टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अंगद जी, पारुल एंड एवरी वन, यू नो ऑल माई लाइक को वर्कर्स टू गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी to work with them, and I'll be really happy, and I'll be looking forward for them to work with them in the future also. Thank you so much. Thank you. मैम, क्या कहना चाहेंगे बींग एन एक्ट्रेस, आपको मतलब जो आपके काम के लिए अवार्ड मिला है, जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
वेल बहुत अच्छा लगता है जब आपकी रिकग्निशन होती है एंड स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर इट फील्स रियली गुड आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे और अच्छा काम करने के लिए सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स स्किल इंडियन अवार्ड्स एंड ऑल्सो अंगद अरोरा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है एंड माई बेस्ट विशेज टू देम एंड ऑल्सो कंग्रेट्स टू ऑल द विनर्स Being an entrepreneur, sir, like entrepreneur को हर एक इस तरह से platform पे award मिलना लाइक एक बहुत बोलते ना proud feeling होती है आपकी क्या feeling है sir? नहीं of course I am feeling proud. Actually, this is a great stage where we get entrepreneur. I am an education entrepreneur and overseas recruitment. तो ऐसे stage में हौसला बढ़ाना हमारा और अच्छे से काम करना तो ये I feel good. It's a great platform. And Skill India is already doing very well. उन्होंने ये जो मंच बनाया है एंड दे आर अवॉर्डिंग पीपल तो इट इज़ अ ग्रेट ऑल्सो हैव सीन अदर एंटरप्रेनर्स एंड अदर स्किल जिनको अवार्ड मिले ऑल आर ग्रेट इट्स अ परफेक्ट चॉइस एंड इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल फ्लोर आई विल से तो आई बेस्ट ऑफ लक फॉर अंगद जी फॉर डूइंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो उनको मिला है इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए थैंक यू वेरी मच आई एम रिप्रेजेंटिंग गिबन इंडियन Yeah, hello everyone. I am representing Gibbon Indian Awards, Gibbon Entertainments. So, ये एक बहुत अच्छी कोशिश रही है Gibbon Indians ने कि first time एक award show launch किया मिलके Skill India Company के साथ. आने वाले time में हम खुद एक बहुत अच्छे सारे level पे award shows, musical nights and Punjabi rock musical पर organize करने की कोशिश करेंगे. Let's hope for best. Thank you for. Angad ji is a very supportive person, a very good personality. He always support me and he told me that to as a given entertainment aapki company hai to you should collaborate with us and join aage jaake milke joint events karenge so in we are looking forward in the future thank you so much thank you so much.